इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट सिंगल बेयरिश कैरेलिस्टिक्स के बारे में, जो कि मार्केट में मंदी को व्यक्त करता है। बेयरिश सिंगल कैरेलिस्टिक्स है वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल बेयरिश कैंडल। ये कैंडल जब तक बनता रहेगा तब तक ट्रेंड बेयरिश रहेगा। ये कैंडल एक सिंपल बेयरिश ट्रेंड को दिखाता है। उसके बाद दूसरा है मारुबोजी। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को दिखाता है। ये कैंडल जब बनता है तो समझिए आपका कुछ समय तक के लिए बेयरिश ट्रेंड जो है खत्म नहीं होने वाला है। यह कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है शूटिंग स्टार। ये दूसरा सेकेंड बेयरिश कैंडल है, मतलब जो सेकेंड मोस्ट बेयरिश कैंडल है। इसके बनने के बाद जो ट्रेंड है बेयरिश ट्रेंड वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और उसके बाद है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बनने के बाद ट्रेंड बेयरिश होगा, लेकिन ये बेयरिश ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि पीछे के तीन कैंडल में ट्रेंड बेयरिश स्ट्रॉन्ग है। ये मुख्य चार कैंडल। इसके सिवा एक न्यूट्रल बेयरिश कैंडल होता है। ये कैंडल कहीं पे भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है। ये एक न्यूट्रल बेयरिश कैंडल है। इसके बनने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा और आप बेयरिश जो सिंपल कैरेलिस्टिक्स है उसके बारे में जान पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।